गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 3 हिंदी का शब्द भंडार की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। तो जो हमारी का नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, शब्द भंडार किसे कहते हैं। क्या है, शब्द भंडार किसे कहते हैं। किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग में आते हैं उन सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। क्या हुआ बताइए, शब्द भंडार किसे कहते हैं। किसी भी भाषा में जितने शब्द प्रयोग में आते हैं उन सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। ओके, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, शब्द भंडार किसे कहते हैं। किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग में आते हैं उन सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। तो आपको पहला प्रश्न समझ आ गया होगा। चलिए, तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, हिंदी भाषा में अधिकतर शब्द किस भाषा से आए हैं। हिंदी भाषा में अधिकतर शब्द किस भाषा से आए हैं। तो आप सब जानते हैं हिंदी भाषा में अधिकतर शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, हिंदी भाषा में अधिकतर शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। क्या हुआ, हिंदी भाषा में अधिकतर शब्द किस भाषा से आए हैं। हिंदी भाषा में अधिकतर शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, हिंदी के शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द मिलते हैं। जो हिंदी का शब्द भंडार है उसमें कितने प्रकार के शब्द मिलते हैं, उनके नाम लिखिए। तो जो हिंदी भंडार हिंदी के जो शब्द भंडार हैं उसमें 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं। हिंदी के शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द। तो बच्चों, हिंदी के शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द मिलते हैं, 4 प्रकार के, जिनके नाम क्या हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए। तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी करने हैं और नोटबुक पर लिखने भी हैं। तो चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो हमारी अगली एक्सरसाइज क्या है, तो देखिए बच्चों, जो हमारी खा नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांट कर लिखिए। आपको यहाँ कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं जिनमें से आपको तत्सम शब्द अलग लिख देने हैं और तद्भव शब्द अलग लिख देने हैं। देखिए, जैसे कि मैंने लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे तत्सम शब्द थे और कितने सारे तद्भव शब्द थे। देखिए, अमूल्य, मातुल, अग्नि, शिक्षा, कर्म, भिक्षा, गधर्व, कर्ण, दीप, वधु, नग्न, ये सभी तत्सम शब्द थे। और तद्भव शब्द देखिए कौन कौन से थे, काम, आखर, दूध, आंसू, कीड़ा, पत्थर, कुआ, नाक, मीठा, प्यास, नाच, अचरज, उल्लू, छेद, घी, पांव, मक्खी, हिरन, ये सब तद्भव शब्द थे। तो बच्चों, जो हमारी ये जो खा नंबर की एक्सरसाइज थी इसमें हमें इतने सारे शब्द दिए थे, इनको हमें क्या करना था, जो तत्सम शब्द थे उनको तत्सम शब्द में लिखना था और जो तद्भव शब्द थे उनको तद्भव शब्द में लिखना था। जैसे कि काम कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया।
आखर कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अमूल्य कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपको खा नंबर की एक्सरसाइज समझ आई? आपको क्या करना है बताइए, आपको तत्सम और तद्भव शब्द छाट कर नीचे अलग अलग लिखने हैं। ओके, तो आपको खा नंबर की एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो गा नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों, देखिए। तो बच्चों देखिए, जो हमारी गा नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है, नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आपको नीचे जो तद्भव शब्द दिए हैं आपको उनके तत्सम रूप लिखने हैं। जैसे पहला क्या है, अचरज, और अचरज का तत्सम रूप क्या है बच्चों, आश्चर्य। यहाँ आपको कुछ तद्भव शब्द दिए हैं जिनके आपको तत्सम रूप लिखने हैं। कैसे रूप लिखने हैं, तत्सम शब्द में उनको बदलना है। तो अचरज को जब हम तत्सम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आश्चर्य। उसके बाद अगला है आगम, आगम का क्या होगा, आगम्य, क्या होगा, आगम्य। उसके बाद आधा, आधा का क्या होगा, अर्ध। उसके बाद अगला है दांत, और दांत का तत्सम शब्द क्या हुआ, दंत। उसके बाद देखिए आगे क्या है, बूंद, और बूंद का तत्सम शब्द क्या हुआ, बिंदु। बूंद का तत्सम शब्द क्या है बच्चों, बिंदु। उसके बाद अगला है घड़ा, घड़ा का तत्सम शब्द क्या है, घट। घड़ा का तत्सम शब्द क्या है बच्चों, घट। उसके बाद अगला क्या है, ऊंचा, ऊंचा का तत्सम शब्द क्या है, उच्च। ऊंचा का तत्सम शब्द क्या है बच्चों, उच्च। उसके बाद अगला है पत्ता, पत्ता का तत्सम शब्द क्या हुआ, पत्र। पत्ता का तत्सम शब्द क्या हुआ, पत्र। उसके बाद है ओट, ओट का तत्सम शब्द क्या हुआ, ओष्ठ। ओट का तद्भव शब्द तत्सम शब्द क्या हुआ, ओष्ठ। उसके बाद अगला है नया, नया का तत्सम शब्द क्या हुआ बच्चों, नव। उसके बाद अगला क्या है, अंधेरा, और अंधेरा का क्या हुआ, अंधकार। अंधेरा का क्या हुआ, अंधकार। ओके, उसके बाद अगला शब्द क्या है, सच, और सच का तत्सम शब्द क्या हुआ, सत्य। सच का तत्सम शब्द क्या हुआ बच्चों, सत्य। उसके बाद है सांप, और सांप का तत्सम शब्द सर्प, सांप का तत्सम शब्द सर्प। उसके बाद अगला है नाच, और नाच का क्या होगा, नृत्य। सूखा, सूखा का क्या होगा, शुष्क, क्या होगा, शुष्क। उसके बाद है माथा, और माथे को तत्सम शब्द में हम क्या बोलेंगे, मस्तक। उसके बाद अगला क्या है, भाप, और भाप को हम क्या बोलेंगे बच्चों, वाष्प। भाप को हम क्या बोलेंगे, वाष्प। उसके बाद अगला है हाथ, और हाथ का क्या होगा, हस्त। हाथ का क्या होगा, हस्त। उसके बाद अगला है रात, और रात का तत्सम शब्द हुआ रात्रि। तो बच्चों आपको गा नंबर की एक्सरसाइज समझ आई, उसमें आपको क्या करने हैं, जो आपको तद्भव शब्द दिए हैं उनके आपको तत्सम शब्द लिखने हैं। ओके, तो चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो जो हमारी घा नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है, देखिए। तो बच्चों देखिए, जो हमारी घा नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से विदेशी शब्द छाटिए। तो बच्चों मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं उनमें से जो विदेशी शब्द हैं उन पर सर्कल बना दिया है। ओके, तो देखिए, अमरूद विदेशी शब्द है, अपील विदेशी शब्द है, सुस्त विदेशी शब्द है, मजदूर विदेशी शब्द है, फाइल विदेशी शब्द है, मशीन विदेशी शब्द है, कोट विदेशी शब्द है, और सीमेंट विदेशी शब्द है, पेंट विदेशी शब्द है, इंजन विदेशी शब्द है, और कप विदेशी शब्द है। ये
यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे थे, उनमें से विदेशी शब्द कौन कौन से हुए? अमरूद, अपील, सुस्त, मजदूर, फाइल, मशीन, कोट, सीमेंट, पेंट, इंजन, कप। तो आपको क्या करना है, आपको इन शब्दों पर सर्कल कर देना है। ओके, तो चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो जो हमारी इंगा नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से देशज शब्द छाटिए। आपको क्या करना है, आपको जो नीचे शब्द दिए हैं उनमें आपको कौन सा शब्द छाटना है बच्चों? देशज। ठीक है, तो देखिए, घबराहट, राष्ट्रध्वज, भिंडी। यहाँ पर जो भिंडी शब्द है वो क्या है? देशज शब्द है। अंधकार, सड़क, उसके बाद सड़क जो है वो कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ऐश्वर्य, प्रयास, बरगद, छिद्र, नंगा, नित्य। फिर उसके बाद गड़बड़, जो गड़बड़ शब्द है वो आपका देशज शब्द है। पंख, पत्थर, प्राण, लड़का, योग, ये सब देशज शब्द नहीं है। उसके बाद देशज शब्द क्या है? मिर्च। मिर्च आपका देशज शब्द है। नाक आपका देशज शब्द नहीं है। झुंझुना आपका देशज शब्द है। कान आपका देशज शब्द नहीं है। कद्दू आपका देशज शब्द है, तो मैंने कद्दू पर भी सर्कल कर दिया। बिल्ली आपका देशज शब्द है। पटकनी आपका देशज शब्द है। घोंसला आपका देशज शब्द है। तो इसमें हमारे देशज शब्द कौन कौन से हैं? भिंडी, सड़क, गड़बड़, मिर्च, झुंझुना, कद्दू, बिल्ली, पटकनी और घोंसला। ये सभी कैसे शब्द हैं बच्चों? देशज शब्द हैं। तो आपको उन पर क्या कर देना है? सर्कल कर देना है। तो आपको घा नंबर और अंगा नंबर की एक्सरसाइज समझ आ गई। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है बच्चों, बताइए मुझे। आज आपको होमवर्क में हिंदी ग्रामर के चैप्टर 3 की सभी एक्सरसाइज अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। ओके, आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 3 की सभी एक्सरसाइजेस को हिंदी ग्रामर की पेयर नोटबुक में करना है। कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।